नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। एसएससी जीडी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 के फिजिकल और रिजल्ट को लेकर आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और आप सभी को पता है, अभी इस बार आप लोगों के नए बदलाव के साथ में आरएफआईडी जो आपका चिप वाले सिस्टम से आपका फिजिकल होना था और उसकी वजह से आप लोगों का रिजल्ट जारी नहीं हो रहा था। और ऐसे में आप लोगों की जो टेंडर की जो डेट थी वो लास्ट डेट आप लोगों की 10 तारीख थी और टेंडर के ओपनिंग की जो डेट थी वो 11 तारीख थी। लेकिन अभी फिर से एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पर कर दिया गया है, डेट में फिर से चेंजेस किया गया, लगातार बच्चों को तारीख पे तारीख दी जा रही है। ऐसे से खुद इंतजार कर रहा है कि कब से हमें जो नोडल एजेंसी है उसकी तरफ से हमें यह संदेश मिल जाए कि हां अब आप रिजल्ट जारी कर सकते हैं, उसी दिन हम रिजल्ट जारी कर देंगे। क्योंकि आप सभी को पता होगा एसएससी कैलेंडर पहले से जारी कर देता है और आपने देखा होगा लगभग 2020 के बाद में एसएससी ने बहुत ही अच्छा काम किया था। हर एक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन की डेट, ऑनलाइन एग्जाम की डेट, तय समय पर नोटिफिकेशन आना, तय समय पर एग्जाम कराना, ये सारा प्रोसेस है वो सही तरीके से हो रहा था। लेकिन अभी दोस्तों 2024 वाली जो भर्ती है, और आपको पता है नई वैकेंसी भी आपको अगस्त में आने वाली है जिसकी भी डेट एसएससी ने बता दी है। और अभी दोस्तों आईटीबीपी को इस बार नोडल एजेंसी बनाया गया है और उसके बाद में भाई बिल्कुल आपको तारीख पे तारीख लगातार आपको मिल रही है। और ऐसे में आप लोगों के लिए मैं आपको बता दूं कि फिर से आप लोगों का रिजल्ट में थोड़ा सा डिले हो सकता है। कब तक डिले हो सकता है? फिजिकल में भी आपका डिले हो सकता है। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। इसको लेकर एक नया नोटिस आप लोगों का आ चुका है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखना। जानकारी अच्छी लगे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। और अगर आप चाहते हैं कि सर एसएससी जीडी भर्ती के रिगार्डिंग पल पल की अपडेट हमें सबसे पहले मिलती रहे तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों जैसा कि आपने देखा होगा यहां पर आप देख रहे होंगे रिक्वेस्ट बोर्ड एक्सेसिंग ओप टेंडर, और यहां पर जो आप लोगों का एक एजेंसी के लिए चुनाव के लिए जो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस के माध्यम से आपका जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट करवाना था उसके लिए एक टेंडर जारी किया गया था और लगातार अप्रैल महीने से ही उसको लगातार उसकी डेट को बढ़ाया जा रहा है। अभी मैं आपको बता दूं जो आपकी जो लास्ट डेट थी यहाँ पर टेंडर की वो आप लोगों को बता दूं। उससे पहले बता दूं अगर आप आरपीएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भाई आप लोगों के लिए हमारा सुरक्षा बैच जिसमें 70% की छूट बच्चों को दी जा रही है, पूरा टारगेटेड बैच फाइनल सिलेक्शन तक मात्र 399 रुपए मिल रहा है। अगर आप एसएससी जीडी 2024-25 की अभी से टारगेटेड तैयारी करना चाहते हैं, ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको आर सब्जेक्ट की क्लासें, पीडीएफ नोट, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर के पेपर, पूरा स्टडी मटेरियल मात्र 299 रुपए मिल रहा है। अगर आप आने वाली बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, ट्रेडमैन और ड्राइवर की तैयारी करना चाहते हैं आप हमारा वर्दी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप स्पेशल मैथ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा चाणक्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सभी कोर्सों पर 70% से ज्यादा की छूट चल रही है। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है भाई, आप साथ साथ अपनी तैयारी को भी शानदार तरीके से शुरू रखना। हो सकता है अगर एसएससी जीडी में सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके पास में एक ऑप्शन रहेगा और आपने इतनी जो मेहनत की है उसका फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप आगे के एग्जामों के लिए भी साथ साथ में प्रिपरेशन करते रहेंगे। अभी मैं आप लोगों को बता दूं जो आप लोगों के टेंडर की जो लास्ट डेट थी यहां पे, वो लास्ट डेट आप लोगों की थी वो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं। लास्ट डेट आप लोग यहां पर देख सकते हैं, जो डेट आपकी थी वो 10 जून थी। 10 जून लास्ट डेट थी कि भाई 10 जून को टेंडर है वो खत्म हो जाएगा, टेंडर की लास्ट डेट खत्म हो जाएगी। जितने भी एजेंसीज होगी जो इसे टेंडर के लिए अप्लाई करेगी, उन सभी एजेंसियों में से जो एजेंसी कम पैसों में और अच्छे से काम करेगी उसके लिए हम टेंडर का ओपनिंग कर देंगे 11 जून को। तो ऐसा लग रहा था कि 11 जून के बाद में रिजल्ट आ सकता है, लेकिन भाई अभी एक फिर से नया नोटिफिकेशन आ चुका है और फिर से टेंडर नहीं मिल पाया अभी तक, क्योंकि आईटीबीपी को एक ऐसी एजेंसी चाहिए जो कम पैसों में भी काम कराए और अच्छे से भी काम कराए और जल्दी से भी काम कराए, मतलब सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, ये सारी चीजें आईटीबीपी को चाहिए और इसके लिए अच्छे से टेंडर नहीं मिल पा रहा है। और उसकी वजह से फिर से एक बार डेट को क्या किया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी जो लास्ट डेट थी आपकी 10 जून, उसे बढ़ाकर 18 जून कर दिया। अब आपकी जो टेंडर की डेट है वो 18 जून तक रहने वाली है। और अगर मैं ओपनिंग की बात करूं 18 जून तक कोई अच्छी कंपनी, अच्छी एजेंसी मिल जाती है तो उसके बाद में आपका जो टेंडर का ओपनिंग होगा वो होगा भाई 19 जून को। मतलब 19 जून को ये कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इस कंपनी को हमने चुना है, टेंडर दिया है और ये वाली कंपनी आरएफआईडी सिस्टम से फिजिकल कंडक्ट करवाने वाली है। अभी एसएससी पर प्रोग्रेस है, एसएससी प्रेशर लगा रही है आईटीबीपी को कि भाई आप जल्दी एजेंसी को चुनिएगा, अगर नहीं मिलती है तो आप पहले की तरह फिजिकल करवाए, क्योंकि हमारी नई वैकेंसी आने वाली है और एक वैकेंसी की वजह से हमारा सारा का सारा जो कैलेंडर है उसका शेड्यूल है वो खराब हो जाएगा। तो ये अब दोस्तों जो मैन जो रहेगा वो रहेगा आपका एसएससी का। एसएससी क्योंकि नई वैकेंसी को लेकर 27 अगस्त से ऑनलाइन फॉर्म शुरू होने, इसको लेकर कैलेंडर ऑफिशियली तरीके से एसएससी ने जारी कर दिया है। और भाई पिछली भर्ती का जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता, रिजल्ट जारी नहीं होता,
तब तक दोस्तों अगली भर्ती है वो भी एसएससी नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि फिर पैरामिलिट्री फोर्स है जो आपकी नोडल एजेंसी है उसके पास में दो दो भर्ती आ जाएगी। अगर एक भर्ती का प्रोसेस भी समय पर नहीं करवा पा रही है तो क्या दो दो भर्तियों का प्रोसेस करवा पाएगी? तो यह संभव नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों अगर एसएससी इस पे प्रेशर लगाए तो हो सकता है अगर इस बार टेंडर ना मिला तो पहले वाले सिस्टम से ही आप लोगों का फिजिकल है वो यहां पर कंडक्ट हो सकता है। और भाई आप लोगों का जो रिजल्ट रुका हुआ है वो इसी वजह से रुका हुआ है क्योंकि अभी तक टेंडर नहीं मिला है। और भाई नोडल एजेंसी ने ये बोल दिया है कि जब तक टेंडर नहीं मिलता तब तक आपको रिजल्ट जारी नहीं करना है। तो अभी आपको थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा, आपको 19 जून को अगर टेंडर ओपनिंग हो जाता है तो उसके बाद में भाई जून महीने में ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन ये सब जो रहने वाला है ये आप लोगों का रहेगा आपके टेंडर पर, ओपनिंग की टेंडर पर। अगर टेंडर ओपन हो जाता है, अच्छी एजेंसी मिल जाती है तो भाई आपका जो रिजल्ट है वो जून महीने में आ जाएगा और फिजिकल आपका जुलाई में शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा वेट आप लोगों को और करना होगा क्योंकि मैं समझता हूं आप लोगों ने बहुत ज्यादा वेट किया है। आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके बहुत ही अच्छे नंबर बन रहे हैं, फिजिकल की तैयारी भी आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने कर दी थी लेकिन रिजल्ट नहीं आया, उसकी वजह से बच्चे निराश होकर फिर से अपनी फिजिकल की तैयारी को रोक दिया है। तो भाई आपको फिजिकल की तैयारी रोकनी नहीं है, आपको मेहनत अपनी जारी रखनी है। जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन फिजिकल आएगा, उस दिन हम फिजिकल क्वालिफाई करके आएंगे और आगे का जो प्रोसेस है उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा दोस्तों आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, आंसर की चेक करने के बाद में आपके कितने नंबर बन रहे हैं कमेंट करके आप हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।